नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, यहाँ से UGC नेट पेपर 2 में, HRM पेपर 2 में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने टाइप्स की रिट्स होती हैं, उनके टर्म्स को लेके क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वॉट इज़ रिट? रिट क्या है? किसी भी भारतीय नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो वो नागरिक आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दायर करता है। तो एक रिटन ऑर्डर या कमांड दी जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, जिसको हम रिट कहते हैं। आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत होती रहे, इसके लिए संविधान में एक आर्टिकल 32 जोड़ दिया गया, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो आर्टिकल 32 क्या करता है? इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंडियन सिटीजन्स के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इट इशूज़ 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। 5 टाइप की रिट्स होती हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरेरी एंड क्यू वारंटो। ये 5 टाइप के रिट्स, इनका मीनिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है UGC नेट पेपर 2 में। तो ये वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मीन्स है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसको सिंपली हम समझ लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत वजह से उसको जेल में डाला गया है, तो वो क्या करता है, हैबियस कॉर्पस रिट डाल सकता है। रिट एक्सेप्ट होने पर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर करना होता है। साथ ही क्या होता है, कोर्ट हिरासत में रखने वाली अथॉरिटी से पूछती है कि किस बेस पे हिरासत में उस व्यक्ति को रखा गया है। अगर अपराध उसका सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो उसको हिरासत को बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो ये रिट इसलिए इशू की जाती है। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस का मीनिंग है वी कमांड, मीन्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड देती है। तो यह रिट क्या तब लगाई जाती है, जब अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने में फेल हो जाता है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, संबंधित व्यक्ति से पूछताछ होती है और उसके बेस पर डिसीजन लिया जाता है। तो मैंडमस में किसी व्यक्ति को ये रिट इशू की जाती है और उससे पूछताछ की जाती है कि किस वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, या इसलिए उसको ये रिट इशू की जाती है। ये रिट कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इशू की जा सकती है? एनी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, एन इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर दी सेम पर्पस। हैबियस कॉर्पस की तरह मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। मैंडमस किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ इशू नहीं की जा सकती, हैबियस कॉर्पस की जा सकती है प्राइवेट बॉडी को भी, बट मैंडमस में ऐसा नहीं है। थर्ड इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट तब जारी की जाती है जब किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट या ट्राइब्यूनल या कोई प्रशासनिक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई केस चल रहा हो और फैसला अभी तक ना आया हो, लेकिन प्रोसेस के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें दखल देना चाहे तो ये रिट जारी करता है। फैक्ट ऑफ प्रोहिबिशन इन इंडिया। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वैसी जुडिशियल अथॉरिटीज़। केवल जुडिशियल और क्वैसी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को ही जारी की जा सकती है। इट कांट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज़। फोर्थ इज सर्शरेरी। सर्शरेरी का क्या मतलब है? ये तब इशू की जाती है जब किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल या प्रशासनिक कोई भी प्राधिकरणों में केस चल रहा हो लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आया, सॉरी उस पर फैसला आ गया हो, बट प्रोहिबिशन में क्या था कि कोई डिसीजन ना लिया गया हो। सर्शरेरी में क्या है, फैसला लिया जा चुका हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे एग्री नहीं हो, तो ये रिट जारी करके उस फैसले को वो इनइफेक्टिव कर सकता है, मीन्स उस केस को, उस फैसले को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तो सर्शरेरी इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज, उनके खिलाफ ये इशू नहीं किया जा सकता। फिफ्थ इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का क्या मतलब, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा? तो इसको सिंपल से समझते हैं, किसी सार्वजनिक कोई ऑफिस है, मीन्स कोई प्राइवेट सॉरी कोई गवर्नमेंट कोई ऑफिस है, कार्यालय है, तो उसको संभालने वाला व्यक्ति उस पद पर बने रहने योग्य है भी या नहीं, ये क्यू वारंटो रिट से डिसाइड होता है। जिसके खिलाफ ये रिट लगी होती है उसे प्रूफ करना पड़ता है कि वो इस पद के योग्य है या नहीं है। ये रिट कोई भी जारी कर सकता है, मीन्स ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ हो, उनको
तभी वो जारी वो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है ये रिट डाल के। इट कांट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस, मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये इशू नहीं की जा सकती है। तो ये थे हमारे 5 टाइप के रिट्स। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हैबियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्सरी क्या है, क्यू वारंट टू क्या है, तो इनको मैच करने के लिए दे दिया जाता है उनके मीनिंग से। तो हमको इनके मीनिंग याद रखने हैं, सिंपल से, ज़्यादा डीप में कुछ नहीं याद रखना, बस इसके मीनिंग से ही क्वेश्चन आता है। तो आप ये मैच कर लीजिए, हैबियस कॉर्पस का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, जो मैंने पिछले अभी बताया भी था। तो एक हो गया थर्ड, मैंडेमस क्या है, मैंडेमस वी कमांड, वी कमांड से मैच कर दिया। सर्सरी टू बी सर्टिफाइड एंड क्यू वारंटो बाई वॉट अथॉरिटी, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उस एग्जाम में आ सकता है, मैंडेमस का मीनिंग पूछ सकता है, सर्सरी का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको इस टाइप से याद रखना है, बस यहाँ से बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच, कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।